हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनी क्रिएशंस। आज मैं आपको DIY फ़ोटो फ्रेम्स कैसे बनाएं वो बताऊंगी। मैंने यहाँ पर दो फ़ोटो फ्रेम्स बनाए हैं, DIY किए हैं, जो कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। मार्केट्स में ऐसे आजकल बहुत ट्रेंडी फ़ोटो फ्रेम्स चल रहे हैं डेकोरेशन के लिए, जो वुडन के होते हैं बट थोड़ा कॉस्टली होते हैं। मैंने इसको अपने बालकनी मेकओवर के लिए बनाया है, तो मुझे ज़्यादा उसमें मनी नहीं वेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने इसको DIY किया कि कुछ टाइम तक रखूँगी और फिर चेंज भी कर सकती हूँ। ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं और घर पर रखे हुए वेस्ट मटेरियल से ही ये ईज़िली बन भी जाते हैं। सो मैं आपको बताऊँगी कि ये फ़ोटो फ्रेम्स कैसे बनाएं। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, जिसका मैं बेस बनाऊंगी और इसी से मैं उसका फ्रेम बनाऊंगी, सीजर, फेविकॉल, ग्लू गन, ब्लैक चार्ट पेपर और सबसे इम्पॉर्टेंट ये शीट। ये ट्रांसपेरेंट शीट है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। ये बच्चों के कॉपी में यूज़ होता है कवर के तौर पर, तो ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर ये शीट मिल सकती है। फ़ोटो फ्रेम में ग्लासेस यूज़ होते हैं, बट क्योंकि यहाँ मैं कार्डबोर्ड के फ़ोटो फ्रेम बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये शीट यूज़ की, जिससे उसका वेट भी लाइट रहेगा और वो क्लीन भी हो सकता है और शाइन भी करेगा। सो मैंने ये शीट ग्लास की जगह यूज़ की है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे प्रिंट आउट्स। आपको जैसे भी पोस्टर, जैसे भी फ़ोटोज़ चाहिए तो आप उसके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं, कलर्ड भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, जैसा आपको आपके वॉल पर चाहिए। सो ये ब्लैक एंड वाइट है और ये भी ब्लैक एंड वाइट था, बट मैंने इसको कलर किया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक एंड वाइट लग रहा था। सो मैंने इसको ब्लैक स्केच पेन से इसको थोड़े से शेड्स दिए हैं और इसको कलरफुल किया है। इसको मैंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रखा है क्योंकि वो मेरे कॉम्बिनेशन में जा रहा था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फ़ोटो फ्रेम आप कैसे बनाएं।